वेलकम ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास सिक्स में 3.1 पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब 3.2 स्टार्ट करने से पहले आपके डिजिबिलिटी टेस्ट दिए हैं, ओके। तो डिजिबिलिटी टेस्ट आप लोग देखना है, ये आपको लिखना भी है नोटबुक में, ओके। डिजिबिलिटी टेस्ट बाई टू दिया हुआ है, देखिए डिजिबिलिटी टेस्ट बाई टू क्या दिया हुआ है। आ नंबर इज डिजिबल बाई टू इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज डिजिबल बाई टू, अगर उसके यूनिट डिजिट में जो भी नंबर दिया है तो अगर टू से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। मीन्स आप लोगों ने क्लास फिफ्थ में भी सीखा था, अगर नंबर के वंस प्लेस में क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर के वंस प्लेस पर कहाँ रहेगा, वंस प्लेस पर तो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, ओके। इसका इसको लिख लेना डिजिबिलिटी टेस्ट बाई टू और इसके एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल है 3 लिखा, 10 लिखा है, ये लिखा 1302 लिखा है, 276 लिखा है। अब सेकंड नंबर क्या है आपका, डिजिबिलिटी टेस्ट बाई थ्री है, ठीक है। डिजिबिलिटी टेस्ट बाई थ्री क्या होता है, यानी आपका अ नंबर इज डिजिबल बाई थ्री, द सम ऑफ द डिजिट डिजिबल बाई थ्री, मीन्स जो नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर लिखा है कोई सेकंड नंबर 3 का है, तो नंबर क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पास एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा है 217095। डिजिबिलिटी टेस्ट बाई थ्री क्या होता है, नंबर के जो डिजिट दी होती है तो उसको क्या करना है, नंबर से डिवाइड करना है, 7095 ये दिया नंबर, देखिए इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने डिजिट है आपके, 6 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, सभी डिजिटों का सम करना, मीन्स 2 + 1 + 7 + 0 + 9 + 5 ये करेंगे अपन लोग, 3, 10, 19 में 5 ऐड करो 24 आया। 24 को क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है, 3 8 = 24, तो आपका देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा जो सम आ रहा है, इसका मतलब जो सम आ रहा है तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी पूरा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों का इस तरह करना है, डिजिबिलिटी टेस्ट बाई 3 हो जाएगा। 4 का दिया हुआ है नंबर का, देखिए जो नंबर होता है उसके आ नंबर इज डिजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्मेट बाई द इट्स 2 डिजिट मल्टीपल बाई 4 होता है, या कि आपका नंबर जो दिया होता है, जैसे आपका देखिए 624 दिया है, नंबर के 2 डिजिट ये लेना है, इनको क्या करना है, टू ये 2 से डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली, तो 24 हो रहा है 6 टाइम जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या देना है, 2 डिजिट लेना, 1 प्लेस और 10 प्लेस लेना, 4 से डिवाइड करना है। 5 का क्या होता है, 5 का होता है अ नंबर इज डिजिबल बाई 5 इफ द वंस प्लेस, नंबर का जो कोई भी नंबर 5 में होता है, नंबर काउंट जैसे 9, 2, 5, 6, 0 दिया, वंस प्लेस में अगर 0 होगा और क्या होगा 5 होगा, तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। क्या होगा, 0 और 5 होगा तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिजिबिलिटी टेस्ट 5 हो जाएगा। अब इसी तरह दिया डिजिबिलिटी टेस्ट बाई 6 दिया हुआ है, ठीक है। डिजिबिलिटी टेस्ट बाई 6 होता है, अगर कोई नंबर 6 से डिजिबल होगा तो वो नंबर क्या होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली और 3 से भी होना चाहिए। इसमें देखिए एग्जांपल दिया हुआ डिजिबिलिटी टेस्ट बाई 6 का, ओके। तो आपको ये एग्जांपल दिया हुआ, जिसमें देखिए क्या लिखा आपका 7486, क्या लिखा हुआ है आपका 7486, तो आपको देखना है वंस प्लेस में 6 है तो 2 से हो जाएगा। अब 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 का क्या होता है 7 + 4 + 8 + 6 करेंगे तो आप लोगों का यानी 3 से हो जाना चाहिए, तो 7 4 11 11 में ऐड करके 19 में 6 ऐड करके क्या जाएगा आपका 25 आएगा। 7 4 11 11 में ऐड कर 19 हुआ, 19 में 6 आएगा 25 आया। 25 देखिए ये 25 जो है आपका 6 से डिवाइड, वो 2 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं लेकर आपको समझा रहा हूँ, देखिए एग्जांपल क्या है आपका, इसका
7482 लिखा है, ठीक है, ये तो 2 शो हो जाएगा, कौन से प्लेस पर 2 है, अब 3 शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, 7 प्लस करते हैं 4 करेंगे, प्लस 8 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, तो 7 4 11 19 हो जाएगा, 19 21 आ जाएगा, 21 देखिए 3 से हो जाएगा, 3 7 21, तो आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, पूरा नंबर जो दिया था, क्या दिया था आपका नंबर, 7482 दिया, तो ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 6 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो आपका नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। देखा आपने, 2 से भी हो रहा है डिवाइड, 3 से भी हो रहा है, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, डिजुअलिटी टेस्ट बाई 7, ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये आपको सब लिख लेना और एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है। तो डिजुअलिटी टेस्ट बाई 7 दिया हुआ है, तो देखिए 7 डिजुअलिटी टेस्ट बाई 7 क्या कहता है, नंबर का जो दिया है वंस प्लेस को ट्वाइस करके क्या करना है, अगर वो 7 हो या 0 आ जाए, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ, क्या दिया आपका, 392 दिया है, क्या दिया आपका एग्जांपल, 392 दिया है, क्या दिया है, 392 दिया है, ठीक है। 392 का क्या लेना है, वंस प्लेस लेना, इसका वंस प्लेस ये है, 392 में वंस प्लेस ये है, वंस प्लेस का क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। तो आपका 2 का डबल करेंगे 2 हो जाएगा, मींस 4 आएगा, 39 में 4 अब क्या करना है, माइनस करना, तो फिर 35 आएगा। अब देखते हैं 35 क्या होता है, आपका 7 का मल्टीपल है, 7 5 35, ओके, तो आपका ये नंबर पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, जो नंबर का वंस प्लेस है उसका डबल करना है, अगर डबल करने पर वो आकर माइनस करने पर 7 का मल्टीपल आता है या कि 0 आता है, क्या आएगा, मल्टीपल है कि 0, तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 का भी आपका दिया हुआ है, डिजुअलिटी टेस्ट बाई 8 दिया हुआ है, ये सॉरी ये है डिजुअलिटी टेस्ट बाई 8 दिया हुआ है, तो नंबर क्या लेना, वंस प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस लेना और 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 9 का भी दिया, 9 का सेम किससे, एज इट इज 3 के जैसे है, डिजुअलिटी टेस्ट बाई 3 के जैसे है, डिजिटों का सम करना, अगर 3 के से जेट डिवाइड होता तो आपको हो जाएगा। 10 का आपका दिया, 10 के वंस प्लेस में क्या आएगा, 0 आएगा, तब आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 10 का हो जाएगा। 11 का दिया हुआ है, 11 का क्या होता है, द नंबर डिजिट बाई 11, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑफ डिजिट ऑड प्लेस एंड क्या करना है, डिजिट ऑफ द इवन प्लेस का है, 0 आया कि 11, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए एग्जांपल लिखा है 2593580 लिखा था, सम ऑफ द देखिए इवन प्लेस ऑड प्लेस का करते हैं, ये 1, देखिए ये आपका क्या एग्जांपल है, 11 को समझाए दे रहा हूँ आप लोगों को, 2593580 दिया है, ये 1 प्लेस, ठीक है, 2 3 4 5 6, इसमें कहा था इवन प्लेस का सम करते हैं और ऑड प्लेस का सम करते हैं, तो देखिए ये इवन है, सॉरी ऑड है, ये ऑड है और क्या है, ये ऑड है, तो आपका ये 2 का करते हैं, 3 का 9 का करते हैं और क्या करते हैं, 5 का ऑड करते हैं, 11 5 16 आ जाएगा, और इसका सम करते हैं, ये 2 4 और 6 इवन नंबर हैं, तो इसका इवन प्लेस क्या है, 5 है, अब क्या है आपका 3 है और क्या है, 8 है, 8 8 16 आता है, तो आपका 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका ये नंबर 11 से हो जाएगा, 0 आए या कि 11 का मल्टीपल आए तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 11 तक का लेना है, इसी तरह 12 का दिया हुआ है, सम इसके डिजिटों का सम करते हैं, तो आपका 12 वाला नंबर दिया हुआ है, आप लोग कर लेंगे, अ नंबर इज डिजुअल बाई 12 इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 3 और 4, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा तो 3 और 4 से चाहिए, 3 और 4 का आप लोग डिजुअलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं, वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके इसमें 3.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें डिजुअलिटी टेस्ट लगाना है, लिखना है हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए 3.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजुअल बाई 2, ये 2 से डिजुअल है कि नहीं आप लोग बताना है, ये नंबर दिया 216 है, क्या लिखा आपका 216 दिया हुआ है, तो ये आपका 2 से होगा क्योंकि वन से प्लेस पर क्या आपका दिया हुआ है, 6 दिया वन से प्लेस पर, तो आपका ये 2 से हो जाएगा, तो ये लिख देना है यस, ठीक है। और आपका क्या दिया हुआ, कुछ बी दिया है, बी में भी है, ठीक है, सी नहीं होगा, ठीक है, डी भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, और आपका ये नहीं होगा, सी और एफ नहीं होगा आपका, इसी तरह इसमें आपका लगाना है
ये डिजुअलिटी टेस्ट बाई 4 का लगाना है, ठीक है। 72 दिया है तो 72 को 4 से डिवाइड करना है। इसमें देखिए 10 प्लस ये बी नंबर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी नंबर है आपका, क्या लिखा हुआ है आपका 4359 15 दिया हुआ है। तो मैंने 4 का डिजिट नंबर का 1 प्लस 10 प्लस 15 को लेंगे, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका रफ वर्क करना है, ठीक है। 4 3 12 हो जाएगा, आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर में ओनली क्या लिखना है आपको, यस नो लिख देना है, ठीक है। इस तरह आप लोग कर लेंगे इसके 1 प्लस 10 प्लस, जैसे देखिए 24 दिए यस हो जाएगा, क्योंकि 6 4 24 होता है, ठीक है। आपका ये दिया है डिजुअलिटी टेस्ट बाई, इसमें 5 और 10 का लगाना है, ठीक है। कौन सा 5 से हो रहा है, कौन से 10 से हो रहा है, 5 के 1 प्लेस में क्या होगा, 0 और 5 होगा तो हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 10 से होगा, जिसके 1 प्लेस में क्या होगा, 0 होगा, तो आपका 10 से यही भर होगा नंबर। 5 से कौन कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा और ई नंबर हो जाएगा, ई नंबर तो नहीं होगा, ठीक है। आप लोग कर लेंगे इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या दिया देखिए, डिजुअलिटी टेस्ट बाई 3 और 9 लगाना है, ठीक है। तो मैं आपका इसका बता दे रहा हूँ, 3 से होगा कि नहीं होगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर, देखिए क्या लिखा है, 4371 लिखा है, ठीक है। आपको डिजुअलिटी टेस्ट बाई 3 लगाना है पहले, तो क्या करना है, इनके डिजिटों का सम लिखाना, 4 + 3 + 7 + 1 इक्वल क्या होता है, 7 + 14 में 1 ऐड करें क्या आ जाएगा, 15 आएगा। करना क्या है, 7 का प्लस 3 से करना है, 7 आएगा, 7 क्या हो जाएगा, 7 का प्लस 7 से करेंगे 14 होगा, 14 का प्लस 1 से करें 15 आ जाएगा, 15 देखे क्या होता है आपका, 3 से 3 5 जब 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से तो हो जाएगा, ठीक है, बट 9 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, तो 3 से हो जाएगा। आपको डिजुअलिटी स्विच ऑफ द लगाना, नंबर इज डिजुअल बाई तो 3 और 9, कौन 3 से हो रहा है, 9 से हो रहा है। तो पहले लिखना कैसे इसका आंसर, 4 का लिखना है डिजुअलिटी टेस्ट बाई 3, क्या लिखना आप लोगों को, देखिए आप लोगों को लिखना है डिजुअल बाई 3, जो जो नंबर 3 से हो जाएंगे, जैसे ए नंबर हो रहा है 3 से, ठीक है, तो ए लिख देना, ए से 3 से हो रहा है। जो नंबर, अब देखिए बी में क्या दिया हुआ है, 60902 दिया है, ठीक है, तो मीन्स आपका 69 क्या हो जाएगा, 15 to 17, ये नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 10 to 12 12 4 क्या हो जाएगा आपका, 16, तो ये भी नहीं होगा। आपका डी नंबर दिया हुआ है 3 5 8 8 4 क्या हो जाएगा, 12 12 3 क्या हो जाएगा, 15 3 18, तो आपका देखिए डी नंबर इससे ए से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 18 आ रहा है, क्योंकि 18 क्या है, 9 से भी हो रहा है, 18 18 9 9 2 18, तो आपको इस तरह लिख देना है सभी का, ठीक है, डिजुअलिटी टेस्ट लगा करके। अब इसमें लगाना डिजुअलिटी टेस्ट बाई 6 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, ठीक है, 5 में क्या लगाना आप लोगों को, सिक्स का लगाना था, ठीक है। हम आप लोग बताएं, सिक्स का क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ क्या करना, 3 2 6 4 2 दिया है, ठीक है, तो ये आपका 2 से तो हो रहा है, ठीक है, अब इसको 3 से भी होना चाहिए, तो 3 का इनका डिजिटों का सम करते 3 + 2 + 6 + 4 + 2 कर देंगे, तो आपका क्या जो हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 11 11 4 क्या हो जाएगा, 15 15 2 17, तो आपका ये 3 से नहीं हो रहा है, तो आपका 6 से नहीं होगा। तो ए का आंसर लिखना आप लोगों को नो, ठीक है, ये लिखना आप लोगों को, इस तरह लिख देना, नो लिख देना, अगर कोई भी डिवाइड हो रहा तो यस लिख देना है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे। 7 का दिया, देखिए 7 का मैं एक बार अगेन रिवीजन करवा दे रहा हूँ, 7 का 6 नंबर का ए नंबर दिया हुआ है, क्या लिखा आपका क्वेश्चन, 5 6 8 लिखा है, 5 6 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 का बताया आपका 1 प्लेस का क्या करना है, डबल करो, 1 प्लेस में 8 दिया है, तो आपका 5 6 को 8 का डबल करेंगे तो फिर माइनस करना है, तो 8 × 8 का डबल करते तो क्या होता है आपका, 8 × 8 का डबल करें तो 16 हो जाएगा, 8 × 2 कर देंगे, डबल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 56 - 16 कर देंगे, तो ठीक क्या आ जाएगा आपका, देखिए 0 आएगा और क्या आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, 40 आ रहा है, तो आपका नहीं होगा,
ठीक है, तो आप लोगों को नो लिख देना है इसमें, ठीक है, नो लिख देना जिसमें नहीं होगा। तो आप लोगों को सेवन का कर लेना है, इसका डबल करना है, सेवन का दिया है तो 14 हो जाएगा, डबल करेंगे 14 को 308 से माइनस करेंगे, जो भी आएगा सेवन से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। अब रिजल्ट टेस्ट 8/8 दिया हुआ तो नंबर का 1 प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस लेना है, ठीक है। तीनों को क्या करना है, अगर ये जैसे दिया हुआ है ए नंबर, देखिए क्या लिखा है आपका, लिखा है सेवन का ए नंबर लिखा है, ठीक है। तो आपका क्या दिया, 1677 7216 दिया है, तो नंबर का 1 प्लेस 10 प्लेस इनको लेना है, 216 को क्या करना है आपको, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका 8 8 2 16 ओके 5 आ जाएगा, ये क्या 8 7 56 मीन्स ये नंबर पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, देखिए तो पूरा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो यस लिख देना है इसमें आंसर में, ये आपका रफ वर्क रहेगा, ओके। तो आप लोग कर लेंगे, 11 का दिया हुआ, 11 का देखिए क्या है, इवन प्लेस को सम करना है और ऑड प्लेस का सम करना है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, 8 का, सेवन सिक्स 9483 दिया हुआ है, देखिए इसमें इवन प्लेस और ऑड प्लेस लेना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह फाइंड आउट कर लेना। तो आपका 7 प्लस 9 प्लस क्या कर देंगे आप लोग, 8 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 6 6 प्लस 4 प्लस 3 कर देंगे, तो आपका 7 7 9 क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करना है तो आपका क्या हो जाएगा, 16 16 में 8 प्लस करना 24 आ जाएगा, ये 10 हो गया, 10 में 3 10 और 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना, 24 माइनस 13 करना है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 मिस 1 11 आ रहा है, देख 11 का मल्टीपल आए या कि 0 आए, तो ये आपका नंबर 11 आ रहा था, आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस लिख देना है, ओके। तो आप लोग कर लेंगे, देखिए इसमें दिए हुए हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको क्या, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द 9 में दिए एग्जांपल्स जो दिया हुआ है, नंबर के एग्जांपल बताना है, ठीक है। डिजुअल बाई 2 बट नॉट 4, ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो लेकिन 4 से ना हो, 10 हो जाएगा इस पर, देखिए 10 जो 2 से हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है। बी नंबर डिजुअल बाई 5 है बट नॉट 10 से, 5 से हो रहा है डिवाइड, और 15 नंबर ऐसा है जो 5 से हो रहा है 10 से नहीं हो रहा है, ठीक है। सी नंबर डिजुअल बाई 3 बट 9 से हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। आप लोग करना है इसे, इसमें निकालना प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर कहलाता है, ये आपका है, इसमें प्राइम नंबर में कर लेना, आप लोगों को बताया गया प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में इसको लिख करके गोला कर देना, प्राइम नंबर कौन कौन से, आंसर में लिख देना आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह कर लेना है 3.2, ओके, थैंक यू।